इस वक्त हम तमाड़ विधानसभा के बुंडू में मौजूद हैं और जेडीयू के प्रत्याशी राजा पीटर जी हमारे साथ हैं। राजा पीटर जी, क्या कुछ कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आज आपने अपनी बात रखी है, बिजली बिल को लेकर कोई मामला? देखिए, चुनाव अब तक में घोषणा होने वाली थी, तो चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व झारखंड सरकार ने राज्य की जनता का जो बिजली बिल था बकाया, उसका माफीनामा का पत्र भेज दिया। और जब चुनाव प्रारंभ होने लगा, अब 13 तारीख को मतदान है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हीं उपभोक्ताओं को उनका जो बकाया बिल है उसके बारे में मोबाइल में मैसेज भेजा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि आपने जब बिल माफी कर दिया, प्रमाण पत्र दे दिया, तो इसके बाद फिर आपकी सरकार का जो ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा बकाया बिल का मांग किया जाना, ये कहां से न्याय संगत है? इसीलिए मेरा नम्र निवेदन है चुनाव आयोग से कि इसे संज्ञान में ले करके संबंधित सरकार के अभी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या तो दलीय आधार पर होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के पद पर कार्रवाई हो, या फिर उनके दल पर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाड़ में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुरुजी यानी शिबू सोरेन, आपने उन्हें मात दी थी, उस वक्त और आज के तमाड़ में कितना बदलाव देखते हैं आप? बदलाव जो मैं करके गया था 2014 के बाद, यहाँ पर ही कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं हुआ, और 2014 तक मैंने जो यहाँ पर पावर ग्रिड, बिजली की सुविधा, सिंचाई की सुविधा या फिर सड़क की सुविधा और भी जो विभागीय जो सरकारी जो विभाग है, सरकारी संस्थान जो है, जो मैंने वहाँ पर ही करप्शन लिस्ट कर दिया था, वहाँ पर ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जैसे कस्तूरबा विद्यालय वगैरह में भी जो सही में जिनका वहाँ पर ही नामांकन होना चाहिए वैसे बच्चों का नहीं होता है, आय जाति प्रमाण पत्र या जमीन का म्यूटेशन करना हो या रसीद कटाना हो उसमें भी पैसे का हेरा फेरी किया जाता है, पैसों की मांग की जाती थी। इससे यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, इसीलिए वो लोग एक बदलाव का रुख चाहते हैं, उन्हें फिर से 2009 से लेकर 2014 का शासनकाल चाहिए। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप एक कुछ दिनों के गैप के बाद लोगों के बीच पहुँचे हैं? 2009 में जो चुनाव हुआ था, मिड टर्म चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें जनता का जो प्यार था उससे दुगना उत्साह से इस बार जनता का प्यार मिल रहा है, और उसे बरकरार रखने के लिए हमारा प्रयास। क्या मैसेज देंगे तमाड़ की जनता? तमाड़ की जनता, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक कमिटमेंट किया था कि आपके घर पर बिजली आएगी और आपका घर रोशनमय होगा, आपको किरासन तेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं फिर आप सभी लोगों से एक कमिटमेंट कर रहा हूँ, एक वादा कर रहा हूँ कि यहाँ 90% लोग खेती पर आश्रित जीवन जीते हैं, आपके खेत में सिंचाई की सुविधा पूरी तरह से मैं देने का काम करूंगा और आपको आर्थिक रूप से संपन्न होने का भी अवसर प्रदान करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा पीटर जी, जिनका कहना था कि जनता का प्यार इन्हें मिल रहा है और इन्होंने बिजली बिल माफी के नाम पर उपभोक्ताओं की किस तरह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है उसका खुलासा करते हुए आयोग से कार्रवाई की मांग की है। देखने वाली बात ये होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, कैमरामैन गौरव के साथ उदय शंकर, बुंडू। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें, केस्टो मार्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।